गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? आज का मौसम देखो कितना ऑसम है। मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वेदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। धुंध देखो आज कितनी है। आज क्या है? आज है ट्यूसडे, फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी का फर्स्ट डे। इतना पॉजिटिव, ये देखो इतनी धुंध है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। और सुबह के समथिंग 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ, 9:16 हो चुके हैं। मौसम मुझे ये बड़ा पसंद आता है। मैं बचपन में, क्योंकि अब तो धुंध वगैरह होती ही नहीं है, अब कहाँ होती है। कभी बाई चांस देखो इन विंटर्स में भी, मतलब आज निकली है, जहाँ तक मुझे पता हल्की फुल्की रहती है, बट इस टाइप की स्ट्रॉन्ग वाली धुंध मैंने नहीं देखी इस वाली विंटर्स में। और होती होगी तो मतलब टाइम के साथ, जैसे उठते हैं हम 9 तक, तो वो चली जाती होगी। मैंने नहीं देखी है पर्सनली। आज मैंने मतलब इस वाली विंटर्स में पहली बार देख रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी धुंध है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ऐसे मौसम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे समर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। रेनी सीज़न ठीक है, ज़्यादा नहीं, वो भी कि हफ्ते तक चली जा रही है बारिश, चली जा रही है, वो नहीं। एक दो दिन हो बारिश बस ठीक है, और हो तो फिर ज़्यादा ज़्यादा 3 ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भाई। सो गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छे से आपका दिन जाए। मेरा बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हुआ है। तो मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे मैं घूम रही हूँ क्योंकि प्रियांशु और उसके डैडी अभी सो रहे हैं। थोड़ी देर हो गई मुझको, 10-15 मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, और बस मैंने बाहर निकल के देखा कि मौसम ऐसा है, तो मैं फटाफट से आ गई। वैसे मैं ज़्यादातर आ जाती हूँ छत पे ही, क्योंकि अगर मैं नीचे जाती हूँ ना घूमने, तो प्रियांशु उठ जाता है, और फिर वो, उसको चाहिए मम्मा सुबह सुबह, उसको मॉर्निंग में मम्मा चाहिए होती है। तो मैं ज़्यादा नीचे मैं जाती भी नहीं हूँ, सीरियसली बताऊँ मैं जाती भी नहीं हूँ नीचे। मुझे कम पसंद आता है, पता नहीं क्यों। मैं छत पे घूम लेती हूँ, जैसे मर्जी आओ फटाफट से 2 में छत पे आ जाओ, कुछ काम हो नीचे चले जाओ। अगर सोसाइटी में घूमने निकलूँगी तो यही है, प्रॉपर अपना काम वाम करके जाओ, या अपनी हालत कंडीशन सुधार के जाओ। अगर लोअर टी शर्ट पहने हैं तो पहले चेंज करो, ये सारी टेंशन्स है। तो इसीलिए मैं जैसे होती हूँ छत पे आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। अभी भी जैसे मैं सो के उठी हूँ, मैं वैसे ही आ गई, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। बस मैं इंजॉय कर रही हूँ ये वेदर को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला वेदर। किस किस को अच्छा लगता है बताना, ज़रूर बताना कमेंट करके किसको अच्छा लगता है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा मन कर रहा है यहीं पे बस जाऊँ मैं तो छत पे ही, अगर ऐसा ही मौसम रहे तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई, पहले तो ये बताओ। आप लोग कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा सब्सक्राइब करने का या वीडियो को लाइक करने का। आज फर्स्ट ऑफ फेब है, कल थी 31 January, और उससे पहले थी 30 January, जिस दिन मेरी 7th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है। जी हाँ, 7th एनिवर्सरी थी मेरी शादी, मेरी शादी को 7 हो चुके हैं, इतना लंबा टाइम। धीरे धीरे 8 भी होंगे, 9 भी होंगे, 10 भी होंगे, तो 7 हो चुके मेरी शादी को। और मेरे फेस पे ना पता नहीं यार क्या हो गया है, ये पता नहीं क्या झंझट है। मैं ठीक हो गई बट मार्ग नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, आप लोग बताना यार। बिल्ली से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मैं वही देख रही हूँ। बिल्ली तो नहीं है, बिल्ली आ जाती है अब ऊपर सीढ़ियों के थ्रू आ जाती है, और यहाँ पे मैडम जी, एक दिन तो मैं निकल के आई और बिल्ली मुझे यहीं मिली थी, वही मेरी जान निकल जाती है। मुझे, मैं सच में बहुत बड़ी डरपोक हूँ, मुझे बिल्ली से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं देख लेती हूँ ना बस, अगर मेरे घर में बिल्ली आ जाए ना तो मैं रुकूँ नहीं, चाहे वो मतलब कैसी भी हो। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं डरपोक हूँ। बिल्ली से तो मुझे बहुत डर लगता है, और किसी से डर लगे ना लगे, बिल्ली से तो बड़ा डर लगता है। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली, मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, बस मन नहीं करता है। एक तो बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, तो ऑटोमेटिकली मन नहीं करता है, फिर माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि
बस ऐसा ही रहता है। कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों रहता है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, मन नहीं लगता किसी चीज़ में। लाइफ ऐसी चल रही है, खचपच 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 खचपच, पता नहीं कब जाके लाइफ ठीक होगी। बस यार सबकी लाइफ अच्छी चले, सबकी लाइफ अच्छी चले सबकी। सो बस आज तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे घूम रही हूँ, बहुत लंबी ज़्यादा वीडियो होती जा रही है, बस बनाई जा रही हूँ बनाई जा रही हूँ बनाई जा रही हूँ। आज मैं विदाउट एडिटिंग ऐसे कि ऐसे मैं इसे अपलोड करूँगी। आप लोग ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को, वायरल तो नहीं बट जितने लोग सब्सक्राइब कर रखे उतने तो देखना। इसीलिए मेरा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का, पता है मैं बनाती ही नहीं हूँ। मैं बनाती भी हूँ ना तो मैं फेस से मतलब फेस कैम करके नहीं बनाती हूँ मैं। ठीक है जो बना दिया वो मैं डाल देती हूँ। इस वाले चैनल पर मेहनत करके मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, हाथ दुखे मेरा। इसीलिए सारे यूट्यूबर्स भी यही कर रहे हैं और वो कंटेंट मेरे पास है नहीं। यूट्यूब पे चल रहा है मेरी दूसरी शादी कंफर्म है, या मैंने की मेरे देवर से शादी, या लव मैरिजेस का थोड़े दिन पहले चल रहा था। अब थोड़े दिन पहले पता क्या चला था, जिनके हस्बैंड नहीं हैं वो चला था कि बहुत सारी ऐसे वीडियो थी जो यूट्यूबर्स बनी हैं लेटेस्ट, तो उनका चला था थोड़े दिन पहले। अभी ये चला है, अभी मतलब चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो यार वो कंटेंट मैं नहीं ला सकती हूँ ऐसे, इनमें से कोई भी कंटेंट मैं नहीं ला सकती हूँ, सो समझो मेरी बात। सुबह सुबह कितनी एनर्जी है ना मुझ में इतनी सारी बातें करने की, जब कोई मन में बहुत सारी बातें हैं। कभी अगर आप लोग चाहते हो ना चिट चैट वीडियो बनाऊं मैं और किसी टॉपिक पे, तो बता देना, कमेंट कर देना बस। चलो अब रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने बेबी का, अपने घर वालों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, और जो भी लोग मुझसे गुस्सा है वो मान जाए। और मैं भी मान जाऊँगी जिनसे मैं गुस्सा हूँ। YouTube की बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना टाइम देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।